दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में भारत के 6 सबसे खतरनाक और माफिया गैंगस्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी दहशत का डंका भारत के हर एक राज्य में बसता है। इनमें से कुछ गैंगस्टरों को तो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, तो कुछ गैंगस्टर अभी भी पुलिस के हाथों से बचे हुए हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में एक गैंगस्टर ऐसा भी है जिसे आज तक भारत की पुलिस नहीं पकड़ पाई। नंबर 6 पर है गैंगस्टर बिल्लू सांडा। बिल्लू सांडा उत्तर प्रदेश सहारनपुर का रहने वाला है। बिल्लू पर हत्या, किडनैपिंग, फिरौती जैसे कई दर्जन मामले दर्ज हैं। बिल्लू सांडा के बारे में कहा जाता है कि पहले तो वो जेल से अपने भागने की तारीख बताता है और फिर उसी तारीख को जेल तोड़कर फरार हो जाता है। एक वीडियो में बिल्लू सांडा पुलिस के सामने कहता है कि मेरा बाप भी बदमाश था और मैं भी बदमाश ही बनना चाहता हूँ। बिल्लू सांडा अभी तक पुलिस पर कई फायरिंग कर चुका है। नंबर 5 पर है गैंगस्टर पपला गुजर। हरियाणा का रहने वाला गैंगस्टर पपला गुजर अपराध की दुनिया का भूनाम है, जिसकी दहशत का डंका हरियाणा से लेकर राजस्थान तक बसता है। पपला गुजर भारत के उन नामी ग्रामी गैंगस्टरों में से एक है जो कई बारी पुलिस पर हमला कर भागने में सफल रहा। एक बार तो पपला गुजर को बचाने के लिए पपला के साथियों ने पुलिस थाने पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और पपला गुजर को वहां से बचा ले गए। लेकिन थोड़े दिनों बाद ही फिर से पपला गुजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आज पपला गुजर अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में अपनी सजा काट रहा है। नंबर 4 पर है गैंगस्टर सुखा। पंजाब का रहने वाला सुखा सबसे कम उम्र का सबसे खतरनाक गैंगस्टर था, जिसने बेहद ही कम उम्र में अपना नाम अपराध की दुनिया में दर्ज कर लिया था। सुखा के गैंगस्टर बनने के बाद सुखा का पूरा परिवार विदेश चला गया, लेकिन सुखा अपनी बदमाशी करने के लिए पंजाब में ही रहा। सुखा पर हत्या और मारपीट जैसे कई दर्जन मामले दर्ज थे और सुखा पंजाब पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका था। अपराध की दुनिया का छोटी उम्र का बड़ा गैंगस्टर सुखा पुलिस के अलावा अपने दुश्मनों के लिए भी एक बड़ा सरदर्द बन चुका था और एक दिन सुखा के दुश्मनों ने मौका देखकर सुखा की हत्या कर दी। नंबर 3 पर है गैंगस्टर विकास दुबे। ये उत्तर प्रदेश का वो गैंगस्टर था जो रातों रात देश का नंबर 1 गैंगस्टर बन गया था। विकास दुबे इतना खतरनाक गैंगस्टर था कि इसने AK-47 से 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद 25,000 का मामूली सा इनामी बदमाश विकास दुबे रातों रात 5,00,000 रुपए का इनामी बदमाश बन गया था। और आखिरकार 6 दिनों की लुका छुपी के बाद मध्य प्रदेश के एक मंदिर से विकास दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नंबर 2 पर है गैंगस्टर मनिया सुबे। मनिया सुबे एक पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट गैंगस्टर था, जिसने मुंबई के कीर्ति कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की थी। और जब मनिया ने अपराध की दुनिया में अपना कदम रखा तो उसने अपने कॉलेज के दोस्तों को भी अपनी गैंग में शामिल कर लिया, जिसके बाद मनिया ने एक से एक खतरनाक काम को अंजाम दिया। 1969 में मनिया सुबे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी डांडेगर की हत्या कर दी थी, जिसके बाद मनिया सुबे को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और इस केस में मनिया सुबे को उम्र कैद की सजा हुई। सजा के बाद मनिया सुबे को मुंबई की बजाय पुणे की जेल में रखा गया, जहां वो सुधरने की बजाय और भी ज्यादा बिगड़ गया। वो आए दिन जेल के अंदर किसी न किसी कैदी को मारता रहता था, जिससे परेशान होकर उसे रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। रत्नागिरी जेल में शिफ्ट करने के बाद मनिया सुबे ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई और उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया। लेकिन मौका देखते के साथ ही मनिया सुबे हॉस्पिटल से फरार हो गया। नंबर 1 पर है दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम को अपराध की दुनिया का बादशाह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। दाऊद इब्राहिम के ऊपर हत्या, लूटपाट, फिरौती और बम ब्लास्ट जैसे कई दर्जन मामले दर्ज हैं। इतने सारे मामले दर्ज होने के बाद भी आज भी दाऊद पुलिस के हाथों से बचा हुआ है। कहा जाता है कि दाऊद विदेश में रहकर अपने काले कारनामों को अंजाम देता है। और भारत की कई ऐसी खुफिया एजेंसियां जो दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए दिन रात लगी हुई हैं, लेकिन आज तक दाऊद के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। और आपको इन सभी गैंगस्टरों में से कौन सा गैंगस्टर सबसे खतरनाक लगा नीचे में कमेंट करें, और अगर किसी गैंगस्टर का नाम हमसे छूट गया तो वो भी हमें नीचे कमेंट करें। और इसी तरह की मजेदार वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल PH Fact को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में।